गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास में जो साइंस का जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवर्तन होता क्या है और कैसे क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना हम डिस्कस कर चुके या करेंगे उन सबको आपको याद जरूर करना है, लर्न जरूर करना है और अपनी होमवर्क जो नोटबुक बनाओगे उसके अंदर आपको सेव करना है, ठीक है, मतलब नोट करना है। अगर फर्स्टली अगर मैं बात करूँ परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन दैनिक जीवन में दो प्रकार का होता है, पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में ही अंतर होता है, रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, बिल्कुल समान रहते हैं, वह परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी पदार्थ के रंग में, गंध में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वह परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो देखो कि भौतिक परिवर्तन में अगर मैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल एक जैसे रहते हैं तथा रासायनिक गुणधर्म में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपके पास बर्फ है, बर्फ को जैसे ही आप गर्म करते हो तो गर्म करते ही यह पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कन्वर्ट हो जाती है पानी में। अब देखो ये बर्फ है, बर्फ आपकी होती है प्रकृति में ठोस अवस्था में और पानी पाया जाता है द्रव अवस्था में, ठीक है। यदि इस पानी को भी जब आप गर्म करते हो तो पानी गर्म होगी किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हो वाष्प में, ठीक है। ये कौन सी अवस्था हो गई, गैस अवस्था हो गई। अब ध्यान देना कि ये जो ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूँ त्रिभुज में बना रहा हूँ, इसका मतलब होता है गर्म होना, ठीक है, मतलब हम इसको हीट दे रहे हैं। यदि मैं इसको इस भाप को यदि मैं ठंडा करता हूँ, जब इसका संघनन करता हूँ, संघनन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को ठंडा करना, किसी भी चीज को ठंडा करना। जब मैं इस भाप को ठंडा करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पानी में, ठीक है। जब इस पानी को जब मैं ठंडा करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। दैट मीन्स बर्फ का फॉर्मूला तो हमारा था H2O, लेकिन ठोस है तो हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हो, सॉलिड। ये है इसको अपन बोलते हैं लिक्विड, ठीक है, और इसको आप बोलते गैस। तो जो सॉलिड था उसके H2O में मैंने S लगा दिया, जब आपने इसको गर्म किया तो ये H2O ही है, जल ही है, लेकिन कौन सी अवस्था होगी इसकी, द्रव अवस्था। जब ये इसको और गर्म करोगे तो ये क्या रहेगा, जल ही रहेगा, लेकिन अवस्था चेंज होगी, कौन सी होगी, गैस अवस्था। इसको जब ठंडा करोगे संघनन जब इसका होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इस लिक्विड को जब आप संघनन करोगे तो ये वापस से किसमें चेंज हो जाएगा, आपका सॉलिड में। अर्थात मैं ये कहूँ कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे रहते हैं। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है, उत्क्रमणीय। अर्थात मैं आपको ये कहूँ कि उत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। इस भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अर्थात अब मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। देखो जैसे हमने एक क्लास में पढ़ा था, ये अपना जो तीर का निशान होता है, तीर के निशान के दाएं तरफ जो लिखा होता है वो आपका होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक, और बाएं तरफ जो लिखा होता है वो आपका होता है क्या, उत्पाद, ठीक है। ये क्या है आपका बाई तरफ, ये क्या है आपका दाई तरफ। तो अभिकारक कहाँ है आपका, बाई तरफ, उत्पाद कहाँ है, दाई तरफ। अर्थात आप ये ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे रहते हैं, वह परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप बता देना, जैसे आपके पास बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करते हो तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और पानी को जब आप ठंडा करते हो तो वापस से बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात
बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना, यह किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन किस परिवर्तन को दर्शा रहा है? भौतिक परिवर्तन को। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वह परिवर्तन क्या कहलाता है आपका? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करता हूँ, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक अवस्था में भी या भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, वह परिवर्तन कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक अनुक्रमणीय परिवर्तन होता है। ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है आपका? अनुक्रमणीय परिवर्तन होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन था, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक जो परिवर्तन होगा उसमें नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। तो नया पदार्थ बनेगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप बता सकते हो, जैसे आप घर में दूध जब जमाते हो तो दूध से क्या बनता है भाई? दही बनता है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात आप ये भी बता सकते हो कि आप देखो, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, मैंने बता दिया। और अनुक्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? कि वह परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक ना बन पाए, वह परिवर्तन कहलाता है आपका अनुक्रमणीय परिवर्तन। ठीक है। और दूध से दही बनना, क्या दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, वजह से यह परिवर्तन कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। देखो, दूध से दही बना है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। और जो दही है, क्या दही से आप वापस से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। इस वजह से यह दही कैसा पदार्थ है? नया पदार्थ है। तो जैसे ही जो नया पदार्थ है, उस नए पदार्थ का निर्माण होना यह क्या कहलाता है आपका? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक जो परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, उसमें तीन अंतर है, मैंने आपको बता भी दिए, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। जबकि भौतिक जो परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे रहते हैं। यह पदार्थ का रासायनिक संगठन एक जैसा रहता है, यह तो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं, वह परिवर्तन कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होता है वह अनुक्रमणीय परिवर्तन होता है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास एग्जाम्पल है बर्फ से, बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है और पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। कब होगा? किस कंडीशन के ऊपर होगा? बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी को जब हम वापस से ठंडा करते हैं तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेड में अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से वापस से अभिकारक बनता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें एग्जाम्पल हमने बताया दूध से दही बनना, अर्थात जो एक बार परिवर्तन हो वह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था दूध से दही बनना, अर्थात दूध से दही तो आप बना सकते हो लेकिन वापस दही से आप दूध नहीं बना सकते। डेट मीन्स एक ही परिवर्तन हुआ, एक बार ही चेंजमेंट हुआ, एक बार ही परिवर्तन हुआ। तो जिसमें एक बार परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात परिवर्तन कारण हटाने के पश्चात कारण से परिवर्तन हुआ है उस कारण को हटाने के पश्चात वापस उसी पदार्थ को प्राप्त किया जाए वह तो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और कारण हटाने के पश्चात भी वापस उसी पदार्थ को प्राप्त ना किया जा सके वह कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। आज की वीडियो में हमारा इतना ही है, कल हम इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू।